हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर इंट्राडे स्टॉक वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज का स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा आपको वीडियो के लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वीडियो पे बने रहे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़े, आपको वहाँ ट्रेडिंग सेटअप और लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं कल का हमारा फर्स्ट स्टॉक। कल का हमारा फर्स्ट स्टॉक हो जाएगा भारतीय एयरटेल की तरफ से। इसमें हम बाइंग पोजीशन तब बनाएंगे जब ये 680 से आगे ब्रेकआउट करता है, तब इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 683, सेकंड टारगेट होगा 687 सेकेंड, और इसमें स्टॉप लॉस हम रखेंगे 676 का। अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करता है तो इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन हम तब बनाएंगे जब ये 675 से नीचे ब्रेकडाउन करेगा, तब इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 672, सेकेंड टारगेट होगा 669, और इसमें स्टॉप लॉस हम रखेंगे 679 का। तो कल का हमारा सेकेंड स्टॉक हो जाएगा बिरला सॉफ्ट की तरफ से। इसमें हम बाइंग पोजीशन तब बनाएंगे जब ये 341 से आगे ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 343, सेकेंड टारगेट होगा 345, और इसमें स्टॉप लॉस हम रखेंगे 338 का। अगर ये नीचे ब्रेकडाउन करता है तभी हम इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन बनाएंगे जब ये 335 से नीचे ब्रेकडाउन करेगा, तब इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 333, सेकेंड टारगेट होगा 331, और इसमें स्टॉप लॉस हम रखेंगे 338 का। तो कल का हमारा थर्ड और लास्ट स्टॉक हो जाएगा बर्जर पेंट की तरफ से। इसमें सिर्फ हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। इसमें हम बाइंग पोजीशन तब बनाएंगे जब ये 596 से आगे ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 599, सेकेंड टारगेट होगा 602, और इसमें स्टॉप लॉस हम रखेंगे 592 का। तो ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं आज जो स्टॉक दिए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक था HDFC की तरफ से, जिसमें हमें शॉर्ट सेल करने के लिए सिर्फ दिए थे। ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर गया, तो इसमें हमारा बाइंग पोजीशन नहीं था, तो इसमें हमारा कोई सा लेवल टिगर नहीं हुआ, तो ये स्टॉक हमारा अवॉइड हो गया। तो आज का हमारा सेकंड स्टॉक था JSW स्टील की तरफ से, जिसमें हमारा बाइंग पोजीशन टिगर हुआ, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट था 596, सेकेंड टारगेट था 599, जबकि स्टॉक ने हाई लगाया 596 का, तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर गया। तो आज का हमारा थर्ड स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, जिसमें हमारा बाइंग पोजीशन टिगर हुआ, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट था 1177, सेकेंड टारगेट था 1182, जबकि स्टॉक ने हाई बनाया 1180 का, तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट बहुत आसानी से अचीव करते देखने को मिला। तो ट्रेडर्स, ऐसे ही प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़े, आपको वहाँ लाइव मार्केट अपडेट मिलता है।